बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट जवाद। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि फोटोशॉप को रिसेट कैसे करते हैं, उसकी जो फैक्ट्री सेटिंग होती है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है, उसको कैसे वापस लाते हैं। तो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस कर, ये देखिए आप देख सकते हैं, मैं नोट पैड पर लिख देता हूँ, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस शिफ्ट की आपने प्रेस करनी है। और सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है, आपने पहले राइट क्लिक करना है। सबसे पहले आपने कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करना है और साथ में राइट क्लिक करना है फोटोशॉप पे। कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस होने चाहिए और आपने राइट क्लिक करके फोटोशॉप को ओपन करना है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने एक पॉप अप अपीयर होगा, लिखा आएगा अडोब फोटोशॉप CS6 डिलीट अडोब फोटोशॉप सेटिंग्स फाइल। आपने यहाँ से यस पे क्लिक कर देना है और जो हमारा फोटोशॉप है उसकी सेटिंग डिलीटेड हो चुकी है, उसकी सारी सेटिंग्स डिलीट हो चुकी हैं। और ये देखें वो अपनी नॉर्मल सेटिंग के साथ ओपन हो चुका है। यहाँ से मैं आपको दोबारा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपने जो थ्री कीज हैं कंट्रोल ALT और शिफ्ट, इन तीनों कीज़ को प्रेस करने कर लेना है। प्रेस कर लिया हमने और उसके बाद आपने क्या काम करना है, राइट क्लिक करना है Adobe फोटोशॉप पे और इसको ओपन पे क्लिक करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हम दोबारा कर लेते हैं। यहाँ से आपने तीनों कीज को प्रेस करके ओपन पे क्लिक करना है Adobe फोटोशॉप को। तो प्रेस ही रखना है, ये ना हो आप छोड़ दें एकदम, यूं ही जब तक ये पॉपअप अपीयर ना हो आपने छोड़ना नहीं है। तो यहाँ से डिलीट फोटोशॉप सेटिंग आपने यस पे क्लिक करना है, तो सारी सेटिंग्स डिलीट हो जाएंगी और आपका फोटोशॉप बिल्कुल पुरानी सेटिंग के साथ वापस आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो सब्सक्राइब का बटन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपने बहुत सा ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलता हूँ, गुड बाय।